मेरा नाम सुलेखा पटेल है, मैं डोमरी में रहती हूँ। मेरे समूह का नाम अनिश्वर स्वयं सहायता समूह है। ये मेरे समूह की दुकान है। स्टार्टिंग तो अपने मतलब छोटे पैसे से किए थे, इतना ये सब लगा भी नहीं था इसमें। ऐसे ही स्टैंड लेकर के हम खोले थे इसको स्टार्टिंग में, लेकिन फिर ये समूह से जब जुड़े उसमें थोड़ा पैसा लेकर के फिर अपना ये सब लगवाए हैं, काउंटर बनवाए। समूह में हम इसीलिए शामिल हुए ना कि इसमें बहुत सारी नौकरियां बताते हैं ना सब लोग की है, इसमें बहुत सारी नौकरियां हैं, तो इसीलिए मैं देखिए इसमें हम शामिल हुए थे कि हमारे गांव में अगर कोई भी नौकरी आएगा तो हमारे लायक रहेगा तो हमें मिलेगा। तो इसमें अभी बीसी सखी का निकला था ना, यूपी बीसी सखी, तो उसका फॉर्म हम डाले थे, उसमें हमारा सिलेक्शन भी देखिए हो गया है। बैंक मित्र बने ना हम, फिर हम आरसीएटी से ट्रेनिंग लेकर भी आए 10 दिन का, फिर ज्वाइनिंग हो जाएगा तो करेंगे। ₹15,000 आरएफ मिला, फिर उसके बाद 10 लोग तो है इसमें हम लोग, फिर अपना जो बचत का पैसा इकट्ठा करके कुल मिलाकर के 30-35 हज़ार रुपये ही हुआ है अभी तो हम लोग का। तो उतना तो बजट नहीं है कि हम मतलब सबको ज़्यादा ज़्यादा पैसा दे सके, और 5,000-6,000 में क्या होता है आजकल, 5,000 लेकर के क्या कहीं, इतना कॉस्मेटिक का सामान इतना महंगा होता है, 5,000 का सामान लाएंगे इतने से जनाएगा भी नहीं। तो अभी जब इसमें ज़्यादा पैसा जैसे आएगा, जब CCL या CIF का पैसा जब आएगा तब लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से मैनेज हो पाएगा। इसलिए इसमें समूह से पैसा तो उतना हम अभी नहीं लिए हैं, ज़्यादा 4-5 हज़ार ही लिए हैं। हमसे भी नीचे स्तर के लोग हैं जिनको ज़रूरत रहता है उनको पहले हम डिवाइड किए पैसा, डिस्ट्रीब्यूट किए, मतलब जब उनसे रिटर्न होगा तो अपने लगाएंगे।